बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आमना में। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार जूसी फ्रूट चाट की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही ईजी और बहुत मज़े का फ्रूट चाट बनता है। आप भी मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साले के बेल आइकॉन पर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आइए चलते हैं आज की रेसिपी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रूट चाट बनाने के लिए मैंने ये एक अनार लिया है, इसका दाने निकाल लिए हैं। ये एक पहले हमें अंगूर की चाहिए, 3 अदद मैंने केले लिए हैं, 1 सेब चाहिए, 2 चम्मच हमें चीनी की चाहिए, थोड़ी सी हमें काली मिर्च चाहिए, 1/2 चम्मच हमें चाट मसाला चाहिए, ये 2 चम्मच हमें लेमन जूस चाहिए। ये मैंने मैंगो जूस का 1 ग्लास लिया, आप ऑरेंज जूस भी यूज कर सकते हैं। इसमें मैं ये सेब को काट लूँगी, हम काट लेंगे, इसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। अपने मजेदार और जूसी सा फ्रूट चाट बनता है। हम इसको साफ कर लिए, इसके छोटे छोटे से पीस काट लेंगे। इस तरह छोटे छोटे पीस काटूंगी और इस तरह मैं सारे सेब को काटूंगी। मैंने सेब को काट लिया, इस तरह हम केला छील के और केले को भी छोटे छोटे पीसेस में हम काट लेंगे। तीनों केले हम छील के रखेंगे और इसको हम तीनों को काट लेंगे छोटे पीसेस में। अब केले को भी हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में केले को भी काट लेंगे। पहले से केले या मैंने सेब और केले को भी काट लिया और हम अब फ्रूट को मिक्स करके हम फ्रूट चाट बना लेंगे। यहाँ मिक्स करेंगे, ये 2 चम्मच मैं चीनी के डालूंगी मिक्सिंग बाउल में। इसके अंदर हम ये लेमन जूस डाल देंगे 2 चम्मच और ये हम मैंगो मिल्क शेक डाल के हम चीनी को मिक्स कर देंगे, चीनी को घोल लेंगे। ये मैंने चीनी को अच्छी तरह से जूस में घोल लिया है, इसके अंदर हम केले और सेब ऐड कर देंगे। केले को मिक्स करेंगे और इसके साथ हम ये सेब भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, इसको भी हम मिक्स कर देंगे। हम इसको मिक्स कर देंगे, इसके साथ ही हम इसमें ये अंगूर भी डाल देंगे और ये एक अनार जो हमने छील के रखा था वो भी इसके अंदर डाल के इसको मिक्स कर देंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे जूस के अंदर। इसके साथ हम इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ी सी 1/2 चम्मच इसके अंदर चाट मसाले का डाल देंगे। डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी और जूसी सा फ्रूट चाट तैयार है, बहुत ही मज़ेदार और जूसी बना है और मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। ये हमारा मज़ेदार सा जूसी और स्पाइसी सा फ्रूट चाट तैयार है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसके अंदर अपनी पसंद से और भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो या सीज़न में जो भी फ्रूट आए हों तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और जूसी फ्रूट चाट बनता है। आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ के बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले हर नए लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।